इस देश के तमाम ट्रक ड्राइवर जो इस देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक तमाम जरूरत का सामान, खाने की वस्तुएं, अनाज हो गया, फल, सब्जी, दूध, दही इत्यादि पहुंचाते हैं, आज क्षुब्ध है, नाराज हैं, दुखी हैं और परेशान थकार होकर उन्होंने हड़ताल घोषित कर दी है। मीलों लंबी लाइन लगी हुई है ट्रक की, ऑलरेडी सप्लाई डिसरप्शन की खबरें आ रही हैं, तमाम फोटो आ रही है जहां पर पेट्रोल पंप पे ना पेट्रोल है ना डीजल है। और अब ये प्रभाव फल, सब्जी, दूध इत्यादि पर भी पहुंचेगा, उनके भी दाम बढ़ेंगे क्योंकि यही मेन जरिया होता है ट्रांसपोर्ट का, ट्रक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार एक कानून लेकर आई है, हिट एंड रन कानून, जिसके तहत अगर ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर गरीब तबके से आते हैं, अगर इनको इतनी बड़ी सजा हो जाए तो ये चुका तो पाएंगे नहीं, और इनके घर पर 2 जून की रोटी कमाने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह का कानून क्यों बना? और ये एक पैटर्न है और इसी से थकार कर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल घोषित की है। क्योंकि कोई भी ट्रक ड्राइवर घर से निकलते वक्त ये सोचकर तो नहीं निकलता कि आज मैं एक्सीडेंट करूंगा, और एक्सीडेंट कई बार किसी दूसरे की गलती से भी हो जाता है। ये एक पैटर्न है। ये कानून बनाया गया जब 150 सांसदों का निलंबन किया गया बिना बहस के, बिना विचार विमर्श किए, सिर्फ मन में आया ये कानून पारित कर दिया गया। यही किया गया था नोटबंदी के साथ, शाम को 8 बजे आके कह दिया था रात को 12 बजे से नोटबंदी हो जाएगी, लोगों को अपने ही पैसा लेने के लिए लाइन में लगा दिया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। जीएसटी में भी यही हुआ, गलत सलत जीएसटी लठैतों की तरह से व्यापारियों को प्रताड़ित करने के लिए लागू कर दिया गया था। काले कानूनों के साथ, कृषि कानूनों के साथ भी ये हुआ, मुंह की खानी पड़ी लेकिन 750 किसानों की शहादत हुई और 125 साल तक किसान अपने हक की मांग करते रहे खुले आसमान के नीचे बैठकर। यही हाल अग्निवीर योजना का भी है, देख रहे हैं उसका परिणाम। और यही हाल लॉकडाउन का भी था, बिना मोहलत दिए आकर बोल दिया सामने से देश में लॉकडाउन लग जाएगा, हजारों दैनिक मजदूरों को पैरों के छालों के साथ चिलचिलाती धूप में सड़कों पर चलवा दिया था। तो ऐसे कानून क्यों बनते हैं? क्योंकि यह सरकार ना विशेषज्ञों की राय लेती है, ना जो प्रभावित तबका है उससे विचार विमर्श करती है। ऑपोजिशन तो बहुत दूर की बात है, विपक्ष से चर्चा करना तो बहुत दूर की बात है, संसद की समितियों तक के कानून जाते हैं, या सेलेक्ट कमेटी ना स्टैंडिंग कमेटी। एक पैटर्न है, जब कानून बनेगा कोई ना कोई दुखी परेशान होगा, और ऐसे ही कानून बनाए जाते हैं कि साहब की मर्जी आज आई सवेरे शाम को कानून बन जाता है। ये तुगलकी फरमानों की सरकार है, ये न्याय संगत कानून की सरकार नहीं है। लेकिन ये जो हिट एंड रन कानून है, इसके चलते ट्रक ड्राइवर परेशान है, वो अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और यहां पर समाधान खोजना जरूरी है। सरकार को पूरी तरह से पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत अहम होने वाले हैं।